नमस्कार दोस्तों, अनिल टाइगर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उपेन यादव ने राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत महासंघ के जो कि अध्यक्ष हैं उपेन यादव। आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर थाने के सामने, जयपुर। दोस्तों देख सकते हैं 16/7/2019 को ये ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर। महोदय जी, नम्र निवेदन है कि पिछली भाजपा सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा प्री और मेंस दो भागों में आयोजित करवाई, जिसके कारण पटवारी भर्ती 3 साल तक लंबित रही और विवादों में रही, जिसके कारण प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि 3835 पदों पर पटवारी भर्ती राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के बेरोजगारों की तरफ से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन साथ ही में हम आपसे निवेदन पूर्वक मांग करते हैं कि पहले की भांति एक ही परीक्षा के माध्यम से पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाए, जिससे सभी भर्तियों में किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा और ना ही बेरोजगारों की किसी प्रकार की परेशानी होगी और बेरोजगारों को न्याय भी मिलेगा। हमें पूर्ण आशा है कि हमारी मांग को सरकार मानते हुए एक ही परीक्षा के माध्यम से पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 आयोजित करवाई जाएगी, जो प्रदेश के बेरोजगारों के हित में होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं उपेन यादव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष, साइन भी देख सकते हैं आप उसके। दोस्तों उपेन यादव ने ये ऑफिशियल ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं उसके ट्विटर पर जाकर भी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम मुख्यमंत्री सचिव साहब को पटवारी भर्ती 2019 की परीक्षा एक ही चरण में कराने की मांग को लेकर आज सचिवालय में दिया ज्ञापन। दोस्तों आप देख सकते हैं उपेन यादव जी ने एक ही चरण में पटवारी भर्ती परीक्षा को करवाने के लिए ज्ञापन दे दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी जो विद्यार्थी हैं उनको ये सूचना पहुंच सके कि पटवारी भर्ती एक चरण में होने के लिए ज्ञापन दे दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।